जब ये भूख लगती है तो कुछ समझ नहीं आता। शायद हम और आप बेहद खुशनसीब हैं कि हमें रोज की भागदौड़ी के बाद दिन खत्म होते होते कम से कम अनाज से भरी हुई थाली तो नसीब होती है। लेकिन आज भी देश में कई ऐसे बच्चे बूढ़े हैं जिनको दो वक्त का खाना भी भरपेट नसीब नहीं होता। इसे भारत का दुर्भाग्य ही समझ लीजिए कि 21वीं सदी में भी हमारे देश के बुजुर्ग और भविष्य दोनों ही न जाने कितने ही दिन भूखे पेट सोते हैं। ऐसे में अगर कहीं से एक उम्मीद की किरण भी नजर आ जाए तो इनके लिए किसी रोशनी से कम नहीं। गुरुग्राम के सदर बाजार में लगने वाला एक फूड स्टॉल भूख से बिलखते लोगों के लिए ऐसी ही एक उम्मीद की किरण। देवदूत फूड बैंक में 5 रुपए में मिलने वाली खाने की थाली हर उस इंसान के लिए किसी 56 भोग से कम नहीं जिसको न जाने कितने ही दिनों तक निवाला देखना भी नसीब नहीं होता। विपिन गुप्ता और उनके कुछ साथी मिलकर ये फूड बैंक चला रहे और आने वाले हर शख्स का पेट भरने का ये नेक काम कर रहे। कब से हुई देवदूत फूड बैंक की शुरुआत और क्या था मकसद, आइए इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विपिन गुप्ता है। विपिन जी, देवदूत फूड बैंक क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए, देवदूत फूड बैंक एक संस्था है, हमारी एनजीओ है, जो कि लगभग 700 से 800 लोगों को भरपूर 5 रुपए में भोजन प्रोवाइड कराती है। कितने दिनों से आप लोग ये सेवा कर रहे हैं गरीबों? करीब 2.5 साल से ऊपर का समय हो गया है। 5 रुपए का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, 5 रुपये हमने इसलिए रखा है कि एक बार सन 2018 की बात है, 10 अप्रैल 2018 की बात है, मेरे बड़े भैया हैं पंकज गुप्ता, मैं और पंकज भैया हम सदर बाज़ार के रहने वाले हैं गुड़गांव के, और हमारी सदर बाज़ार के अंदर शॉप है। तो वहाँ पर जब भैया और हम घर जाते हैं तो रास्ते में यहाँ एक डंपिंग यार्ड था, तो वहाँ पर कुछ गरीब बच्चे या फिर जो कागज वगैरह चुकते हैं वो डंपिंग यार्ड में से कुछ गंदा संदा खाना फ्रूट वगैरह चुक के खा रहे थे। तो भैया का मन थोड़ा सा बुरा, उनको बुरा लगता था। तो उसके बाद उन्होंने हम लोगों से कहा, वो काफ़ी टाइम से उदास थे ये देखते, तो उन्होंने हम लोगों से कहा, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों के लिए या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए अपनी जो अर्निंग है, जो सेविंग है, उसमें से कुछ लोगों के लिए खाना प्रोवाइड कराएं, जिससे क्या है कि बच्चे बीमार ना पड़े यार। तो हमने वो स्टार्टिंग में 100 से 200 लोगों के लिए सोचा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग आने लगे कि जो बाहर से जो रोज खाने वाले और जो कमाने वाले हैं, तो वो भी आगे लगे लाइन में। तो हमने एक 5 रुपये इसलिए रखा कि उनके अभिमान को ठेस ना पहुँचे। वो कहावत है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता, बस उसी पर अमल करते करते अब तक इस फूड बैंक में 700 से 800 लोग जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही लोग इस देवदूत फूड बैंक में अपने अपने सहूलियत के हिसाब से हर मदद पहुंचाते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में तो हमने अपने पास से किया था, लेकिन उसके बाद लोगों को पता लगने लगा, तो लोग सब कोई कुछ ना कुछ देते जाने लगे, कोई दाल, कोई चावल, कोई कंट्रीब्यूशन करने लगे। तो उसके बाद तो फिर कोई भी परेशानी नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी बीच में होती रहती है, लेकिन हमने भगवान को साक्षी मान के कहा, भगवान ये परेशानी है, तो भगवान ने ऑटोमेटिकली हमारी परेशानी का सोल्यूशन कर दिया। और सेवा भाव के लिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमसे, वॉलेंटियर काफ़ी सारे हो चुके हैं जो तन मन धन से हर तरह से हमारी संस्था के साथ सेवा कर रहे हैं। किस किस तरीके का डोनेशन में आप लोग को सामान मिल जाता है? जैसे देखिए, काफ़ी कुछ लोग तन से भी करते हैं, कुछ मन से, कुछ धन से, कुछ दाल दे गए, कोई चावल दे गया, कोई आटा दे गया, इस तरह से कोई कुछ ना कुछ बच्चों के लिए मिठाई दे गया या बड़ों के लिए कोई कुछ ना कुछ देता जा रहा है, जिससे हम सेवा कर रहे हैं। मन को कितना सुकून मिलता है इस काम को करके? देखिए, पहले तो हम एक दुकानदार होता है, दुकानदार को क्या होता है कि सुबह शाम की दुकानदारी की परेशानी रहती है। जब से हमने ये काम स्टार्ट किया, दिल को इतना सुकून मिलता है कि हम रात को जाके भगवान का शुक्रगुजार करते हैं कि हम इस लायक भगवान ने मौका दिया कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुत सुकून मिलता है। कुछ पैसे वाले लोग जो इस तरीके की सेवा भाव की भावना नहीं रखते, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि
भगवान ने हमें इस लायक अगर बनाया है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए जरूरतमंद लोगों को, ताकि देश में कोई भूखा ना सोए। हाँ, जिससे हमारे देश की जो संख्या है, जो भूखा सोती है, वो ना सोए, भूखे ना सोए। अगर वो 10 लोगों को ना खिला सके तो अपने आसपास के गरीब इंसान को, जो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता है, तो कम से कम एटलीस्ट एक बार तो खाना खिलाए। कभी राजमा चावल, कभी दाल और तंदूर में बनी रोटी, और साथ में रायता, मौसमी सब्जियां और उसके बाद मीठा, तो कभी खाने की प्लेट में पौष्टिक फल। यहां आने वालों से अगर आप फूड बैंक में मिलने वाले खाने के बारे में बात करेंगे तो उनके चेहरे पर संतुष्टि की जो मुस्कान आती है, उससे नौजवानों की मेहनत और जज्बा सफल होता साफ दिखता है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, कितने दिनों से आप यहाँ खाना खाने आ रहे हैं? अरे 2-3 साल हो गए। मैं रिक्शा चलाता हूँ इधर, पहले 5 रुपए फिर फ्री में चलता है, कभी कोई जैसे पैसे दे गए तो कोई, कभी कभी फ्री में भी रहता है। हाँ जी, फ्री में ही रहता। कैसा खाना रहता है, भरपेट खाना का मिलता है? अरे भरपेट तो मिलता ही है। हाँ, खाना की क्वालिटी कैसी होती है, कैसा कैसा? तो सही है वैसे। हाँ, कभी वो होती कड़ी, कभी राजमा, मिठाई वगैरह भी। हाँ, मिठाई फल सब कुछ मिलता रहता है वैसे साथ साथ तो। हाँ, पनीर भी, मटर भी। हाँ जी, पनीर दिया कल। कैसा लगता है यहाँ पे खाना खा के? अच्छा, आज के समय में लगता है कि कहीं इतने सस्ते में खाना मिल जाएगा? है जी, आज के समय में कहीं इतने सस्ते में खाना मिल पाएगा? भरपेट सस्ते में कहीं नहीं मिलता। हाँ, यहीं मिलता है बस। मेरा नाम आकाश है। आकाश, क्या करते हो? हम यहाँ पे मेहंदी का काम करते हैं। आकाश, आप लोग जो काम करते हो यहाँ पे, खाना खाने कितने दिनों से आ रहे हो? यहाँ पे मैं 4-5 महीने से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है यहाँ कितने रुपए में खाना मिलता है? यहाँ पे 5 रुपए में भी खाना मिलता है, फ्री भी मिलता है कभी कभार। हाँ, क्या क्या मिल जाता है खाने में? पेट भर खाना मिलता है? खूब पेट भर, खूब ज़्यादा मिलता है पेट भर। क्या क्या खाने में रहता है? मिठाई उठाई भी रहती है? मिठाई भी, फल वगैरह, पूड़ी वगैरह कुछ सब। मतलब आदमी का पेट भर जाता है? पेट भर जाता है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग गरीबों के लिए ये काम करें, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? हम क्या कहना चाहेंगे, जो बांट रहे हैं लोगों को भगवान, और दे और बांटे, ये लोग काफ़ी अच्छा खाना बांटते हैं और गरीबों की भी इनसे बहुत ज़्यादा मदद होती है। 5 रुपए में खाना, अगर आप होटल में भी जाओगे कम से कम 50-60 रुपए का खाना मिलता है यहाँ पर, तो 5 रुपए में गरीबों की मदद होती है। क्या लगता है कि आसपास के क्षेत्र में जो बाज़ार में दुकानदार क्या लड़के काम करते हैं, वो भी यहीं खाने आते हैं दोपहर में? हाँ, दोपहर में आते हैं 12-1 बजे के टाइम पर, बनता है और बढ़िया खाना। कुछ गरीब बच्चों और बुजुर्गों को भरपेट खाना मिल सके और उनके आत्मसम्मान को ठेस भी ना पहुंचे, इसी सोच के साथ शुरू हुए इस इनिशिएटिव ने 2.5 साल का सफर बेहतरीन तरीके से पूरा किया, क्योंकि इनके इरादे नेक थे। महज 5 रुपए की थाली या कभी कभी मुफ्त में ही मिल जाने वाला भोजन यहाँ आकर खाने वालों को जो सुकून और इसे परोसने वालों को जो संतुष्टि देता है, वो अनमोल है।